शहर में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई किए जाने सहित कुल 7 सूत्रीय मांग को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने मंगलवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का घेराव किया। परिषद के सदस्य अपनी मांग को लेकर मंगलवार की सुबह जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां परिषद के सदस्य जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुपस्थिति को देखकर उग्र हो गए और जमकर नारेबाजी की। परिषद के सदस्यों का कहना है कि शहर में तमाम अवैध रूप से कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, जो छात्र छात्राओं के परिजनों से मनमानी फीस भी वसूली कर रहे हैं। वहीं सरकारी विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाकर मनमानी धन उगाही कर रहे हैं, जिसके कारण छात्र छात्राओं के अभिभावकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिषद के लोगों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक से मुलाकात करने लगभग 3 बार आ चुके हैं, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक हर बार अपने कार्यालय से नदारद रहते हैं। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए परिषद के संगठन मंत्री राघवेंद्र ने कहा, हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिनमें से शुल्क वृद्धि को लेकर और लगातार अवैध कोचिंगों को लेकर लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको ज्ञात दिलाया भी जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोचिंगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। लगातार फीस वसूली और सारी कामों में ये पूरी तरीके से लिप्त हैं। जब भी हम लोग इनसे मांगने आते हैं, इनसे मिलने के लिए, तब से केवल इनसे एक बात कही जाती है कि मैं विद्यालय के लिए जाँच के लिए निकला हूँ और जिला अधिकारी महोदय के साथ निकला हूं, उनके साथ बैठक चल रही है, लेकिन हम लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं कभी इनके द्वारा निस्तारण नहीं किया जाता है। जैसे हम लोगों को कोचिंगों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कोचिंगों इस समय ये स्थिति हुई है कि सारे विद्यार्थियों से कोचिंगों के द्वारा इतने फीस वसूली किए जा रहे हैं, और जो वो भी उन कोचिंगों के द्वारा जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ और भी हैं, जिसमें अपने विद्यालय में पब्लिक स्कूलें चल रही हैं और भी कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी मान्यता प्राप्त नहीं है, उसके बाद भी वो अवैध रूप से विद्यालय चला रहे हैं। विद्यालय चलाने के साथ साथ वो फीस वसूली कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो उनके अंदर आता है। ये जब भी आएंगे तो ये सारी चीज़ों को बांट देते हैं कि ये उनके अंदर आता है, ये कोचिंग संस्था उनके अंदर है, विद्यालय उनके अंदर है। इनको केवल एक चीज़ से मतलब रहता है, हम विद्यालय जाएँ, सुबह से लेकर 4 बजे तक वो विद्यालय जाके केवल फिर वसूलने का काम करते हैं, वो अवैध वसूली। उनको कभी ऐसा समय नहीं मिलता। आखिर में वो हमको यह सिर्फ बताएं कि वो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ऑफिस में ना बैठने पे वो क्या कारण है। अगर वो सुबह 10 बजे से नहीं बैठ आए हैं यहाँ पर, वो कितनी बार मुलाकात आज तक सर कभी भी हम लोगों के पास अपना ये ज्ञापन है, तीन बार लगातार स्वीकृत कराए हैं यहाँ ऑफिस में, किसी और के द्वारा स्वीकृत कराया जाता है, लेकिन तीनों बार उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। आगे की हम लोगों की कार्रवाई है, आज हम लोग प्रदर्शन करेंगे, आज के बाद नहीं मिलता उनके पुतला के साथ ही पूरे DIS ऑफिस का पूरा घेराव करेंगे हम लोग पूरे सुबह से 10 बजे से लेके वो नहीं बैठते हैं परिसर में, लेकिन उनकी वजह से हमको जमीन पे बैठना पड़ेगा और सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक हम लोग उनके सामने बैठे रहेंगे। देखते हैं, जब भी हम लोगों की बात होती है वो कहते हैं आने के बाद भी अगर कोई चाहे गोरखपुर में कहीं भी निकला होगा अधिकारी तो वो आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी वो आने को तैयार नहीं रहते हैं। वो हम लोगों की प्रतीक्षा ले रहे हैं कि कब तक हम रह सकते हैं, हम लोग उनका इंतजार करेंगे कि कब तक वो आएंगे।